मनाली में उतरे एंड वेलकम टू केटल में किचन। तो केटल में किचन में हर बार की तरह इस बार भी हम कुछ इंटरेस्टिंग बनाएंगे। विंटर्स आ गया है, दिसंबर भी आ गया है और क्रिसमस भी आने वाला है। तो क्रिसमस के टाइम पे बहुत सारे अलग अलग डेजर्ट्स बनते हैं, केक्स बनते हैं, तो उसी में से एक छोटी सी रेसिपी हम आपको बताएंगे रम बॉल्स की। तो आज केटल में किचन में हम बनाने वाले हैं रम बॉल्स। तो चलिए देख लेते हैं रम बॉल्स बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो चलिए मनाते हैं क्रिसमस एकदम हटके स्टाइल, केटल में किचन स्टाइल। क्रिसमस स्पेशल रम बॉल्स बनाने के लिए हमने ड्राई केक लिया है, वनीला ड्राई केक है हमारा। आप कोई भी ड्राई केक ले सकते हैं या फिर केक का जो लेफ्ट ओवर स्पॉन्ज होता है वो भी ले सकते हैं। इसको ऐसे क्रम्बल कर लेना है, ऐसे ही आप ओरियो का भी बना सकते हैं, ओरियो बिस्किट्स का, ओरियो बॉल्स। आप ड्राई केक अपने कोई भी फ्लेवर के ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। हमने यहाँ पे नॉर्मल ड्राई केक लिया है, टूटी फ्रूटी वाला। तो हमारा ड्राई केक जो है वो अच्छे से हमने क्रम्बल कर लिया है। ये हमारे पास सिनेमन है, रम बॉल्स में सिनेमन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसलिए हम यहाँ पे सिनेमन डाल रहे हैं। ये हमारे पास चॉप ड्राई फ्रूट्स है, पिस्ता, बादाम और काजू, ये हम इसमें डाल दे रहे हैं। और ये रम सोक्ड रेजिंस, क्रैनबेरी, ड्राई जिंजर और पील्स हैं, लाइम पील्स जो होती हैं, वो हमने रम में सोक करके रखी हुई हैं। ये करीब 3 डेज से हमने सोक करके इसमें रखी हैं। आप ज़्यादा टाइम के लिए भी इसे सोक करके रख सकते हैं रम में। तो हम ये डाल रहे हैं इसमें, इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। और थोड़ी सी रम जो नीचे बची है वो भी हम इसमें डाल देंगे। प्लम केक भी बना सकते हैं आप इससे। इन सबको मिक्स कर लेंगे हम। अगर आप अल्कोहल नहीं लेते हैं तो आप इसे ऑरेंज जूस में भी सोक करके रख सकते हैं। हमें इसे अच्छे से मॉइस्ट कर लेना है ताकि ये बॉल्स बन सके इसकी। थोड़ी सी रम हम इसमें और मिक्स कर रहे हैं। तो ये अच्छे से हमने इसे मॉइस्ट कर लिया है। अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे, छोटे छोटे लड्डू बनाने हैं हमने इसके। ऐसे ही हम सारे बॉल्स बना लेंगे। हमने ये सारी बॉल्स बना ली हैं, इसे हम फ्रीजर में रखेंगे करीब 30 मिनट्स के लिए। तब तक हम चॉकलेट मेल्ट करेंगे इसको कोट करने के लिए। जब तक हमने रम बॉल्स को फ्रिज में रखा है सेट होने के लिए, तब तक हम चॉकलेट मेल्ट कर लेते हैं। चॉकलेट मेल्ट करने के लिए हम केटल को ऑन करेंगे, वाटर डालेंगे ताकि हम डबल बॉयलर रेडी कर सके। और एक ये बोल हम इसके ऊपर रख देंगे। ध्यान रखिएगा नीचे का पोर्शन जो है डबल बॉयलर के लिए वो छोटा होना चाहिए और ऊपर का बोल बड़ा, ताकि स्टीम जो है वो चॉकलेट के अंदर ना जाए। और ये डार्क चॉकलेट है, ये हम इसमें डाल देंगे। इसको आप चॉप करके डालिए तो ज्यादा जल्दी मेल्ट होगी, हमने ऐसे ही डाला है। चॉकलेट को हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमने डार्क चॉकलेट यूज करी है, अगर आपको व्हाइट चॉकलेट या मिल्क चॉकलेट यूज करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। ये मेल्ट होना भी शुरू हो गई है। तो हमारी चॉकलेट जो है वो मेल्ट हो गई है, हमने केटल को ऑफ कर दिया है। ये अच्छे से मेल्ट हो गई है हमारी चॉकलेट, थोड़ी कूल डाउन भी हो गई है, टेम्पर कर लिया है हमने इसको। अब हम ये जो हमने रम बॉल्स बनाए थे ये हम इसमें डिप करेंगे। ये
वैसे आप इसे नॉर्मल फोक से भी निकाल सकते हैं, बट मेरे पास ये है तो मैंने कहा इसका यूज ही कर लेते हैं। आप चाहें तो चॉकलेट में डिप ना करें, नॉर्मल कोको बटर में भी आप इसे रोल कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे चॉकलेट में डिप कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसे पसंद है। ऐसे आप इसे कूलिंग रैक में रख सकते हैं, वरना ऐसी कोई कूलिंग रैक नहीं है तो आप नॉर्मल पेपर पे भी रख सकते हैं, बटर पेपर पे। इसमें आप नॉर्मल स्प्रिंकल्स भी कर सकते हैं ऐसे। ये कुछ पर्ल्स हैं, वरना हमने साइड में व्हाइट चॉकलेट भी मेल्ट करके रखी है जिसको हम इस पे ड्रिजल करेंगे। तो हमारे पास ये व्हाइट चॉकलेट है, इसको हमने एक पाइपिंग बैग में डाल दिया है मेल्ट करके, ये हम इसके ऊपर ड्रिजल कर देंगे। तो ये हमारे रंबल्स जो है वो बन के एकदम रेडी हो चुके हैं। ये जो हमारे स्प्रिंकल्स वाले हैं इनको हम पहले रख लेते हैं, तब तक ये व्हाइट चॉकलेट भी हमारी सेट हो जाएगी इसके ऊपर। एंड हमारी ये व्हाइट चॉकलेट भी एकदम सेट हो गई है, इसको अभी हम प्लेट में रख लेंगे। तो हमारे रंबल्स बन के एकदम रेडी हो चुके हैं। तो हमारी क्रिसमस स्पेशल रंबल्स बन के एकदम रेडी हो चुकी हैं। आप इसको अपने अकॉर्डिंग कोई भी फ्लेवर दे सकते हैं, मैं तो इसको खाने के लिए बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकती हूँ। रम का फ्लेवर इसमें बहुत ही ज्यादा अच्छे से आ रहा है, और जो सिनेमन का ब्लेंड इसमें हमने दिया है वो भी बहुत अच्छे से आ रहा है। तो आप भी ऐसे ही रम बॉल ट्राई करिएगा, मुझे जरूर बताइएगा मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। फिर मिलेंगे केटल में एक और नई रेसिपी के साथ साथ, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बी पॉजिटिव, ईट हेल्दी फूड, ईट लॉट्स ऑफ फूड। बाय बाय।